हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह, समीक्षा अधिकारी जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने एक नई सीरीज शुरू की थी जहां पर हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। ठीक, तो उसी सीरीज में आज ही हमारी क्लास फोर्थ है। ठीक, आज हम इसमें एआरओ के पेपर को डिस्कस करेंगे, एआरओ का एग्जाम पेपर जो 2021 में हुआ था। ठीक है, तो पेपर में आज हम, वैसे तो पेपर में करीबन 20 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, लेकिन प्रीवियस पेपर के भी कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो उनको मिला के आज हम करीबन 26 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस पेपर में। और अपना प्यार और सहयोग कमेंट बॉक्स में और शेयर और लाइक करके जरूर बनाए रखिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोसेसर ना रहा होगा, प्रोसेसर का निर्माणकर्ता नहीं। एनवीडिया, हाँ एनवीडिया प्रोसेसर बनाता है। एएमडी, हाँ ये भी एक प्रोसेसर निर्माण करता है। क्वालकॉम, ये भी एक प्रोसेसर निर्माण करता है। एप्पल, एप्पल भी एक प्रोसेसर निर्माण करता है। देखिए, अगर मैंने चीज़ों को नेट पे काफ़ी सर्च किया क्या है कैसे है। ठीक है, जो बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसने तो कहा है कि एनवीडिया इज द रॉन्ग आंसर, बट वो गलत है। एनवीडिया चिप्स बनाती है। ठीक, एनवीडिया के ग्राफिक्स के चिप्स भी आते हैं और प्रोसेसर के भी चिप्स आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही होंगे। ठीक, ये देखिए, सबसे बड़ी जो वर्ल्ड में फेमस कंपनी प्रोसेसर बनाने के लिए वो है इंटेल। इंटेल के ही आते हैं मार्केट में i3, i5, i7, ये सब किसके, इंटेल के हैं। ठीक है, i10, ये सब इंटेल बनाती है। ठीक, क्वालकॉम के जो स्नैपड्रैगन आता है ना, वो क्वालकॉम का आता है, मोबाइल्स में रखते हैं ना स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, वो क्वालकॉम कंपनी के हैं। ठीक, इसी तरह मीडियाटेक भी प्रोसेसर बनाती है। एएमडी, एएमडी का प्रोसेसर भी आता है, एएमडी ग्राफिक्स कार्ड भी बनाती है। एनवीडिया भी इसी तरह ग्राफिक्स कार्ड भी बनाती है, मतलब ग्राफिक्स को इन्हांस करने के लिए जो प्रोसेसर आते हैं। ठीक है, एएमडी और एनवीडिया दोनों ग्राफिक्स के कार्ड भी बनाती हैं और प्रोसेसर कार्ड्स भी बनाती हैं। ठीक, राइजन, ये एएमडी के द्वारा बनाया जाने वाला एक प्रोसेसर का नाम है, राइजन। ठीक है, तो एचपी नहीं, एचपी एक प्रोसेसर मैन्युफैक्चर नहीं। एप्पल, हाँ एप्पल खुद के अपने प्रोसेसर बनाती है। ठीक है, तो ये सभी कंपनियां प्रोसेसर मैन्युफैक्चर हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं होगा। देखिए, आप लिखा हुआ है कि सब मेजर प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर कौन है, इंटेल जो कि पॉपुलर ब्रांड है। ठीक है, जो कि कोर i3 i5 प्रोड्यूस करता है। एएमडी ने राइजन प्रोसेसर को बनाया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की जो सीरीज आती है मोबाइल फोन्स में लगती है, के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर। मैंने इसलिए बताया है आपको, किताब के थ्रू मत चलिएगा, नहीं तो आज तो आप पढ़ लेंगे लेकिन अगर कोई एग्जाम देना होगा तो वहां आपसे दिक्कत हो जाएगी, या फिर से अगर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल गया तो आपसे दिक्कत हो जाएगी। तो एनवीडिया भी प्रोसेसर बनाता है, एएमडी भी बनाता है, क्वालकॉम बनाता है और एप्पल भी बनाता है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फील्ड। एक विशेष क्षेत्र में विशिष्ट सूचना देने के लिए एक समर्पित वेबसाइट क्या कहलाती है? वेबसाइट कहलाती है, ब्लॉग कहलाती है, वेब डायरेक्टरी कहलाती है, कॉर्पोरेट वेबसाइट कहलाती है। तो देखिए, किताब में, ये प्रीवियस ईयर की जो किताब है उसमें तो वेबसाइट दिया है, पूरा गलत जवाब है। ठीक है, सही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए ब्लॉग। किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ब्लॉग ही देता है। ठीक है, वेब डायरेक्टरी क्या होती है कि जैसे आप वेब डायरेक्टरी में आप एक ही विषय पे मल्टीपल क्या रखते हैं, लिंक्स रखते हैं, मल्टीपल सूचनाएं रखते हैं। जैसे आपने रख दिया ऊपर वोमेन हरासमेंट, तो आप यहाँ पे एक लिंक रखोगे वोमेन हरासमेंट का, इस देश में क्या रहा, क्या डाटा रहा, फिर यहाँ पे लिंक रखोगे, फिर दूसरी लिंक रखोगे, फिर तीसरी लिंक रखोगे, अलग अलग साइट्स के लिंक रखते हैं, उसे कहते हैं वेब डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट नहीं होती है, ये वेब पे एक जितने भी सेम तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं उनको एक जगह कलेक्ट करने का तरीका होती है, तो ये भी नहीं होती है। कॉर्पोरेट वेबसाइट, कॉर्पोरेट वेबसाइट पे कंपनी
कंपनियां अपना क्या करती हैं, अपने व्यवसाय व्यापार करती हैं, ठीक है, सेल और परचेज एक्टिविटीज करती हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, ब्लॉग। देखिए लिखा भी है मैंने कि वेबसाइट क्या होती है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस आर ऑर्गेनाइजेशन। वेबसाइट्स आर ऑफन यूज फॉर बिजनेस ब्रांडिंग ई कॉमर्स एंड शोकेसिंग अ पोर्टफोलियो। लेकिन ये किसी विशिष्ट पर्टिकुलर फील्ड में इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, जैसे कि लेकिन ब्लॉग जो होता है एक राइटर या ग्रुप ऑफ राइटर्स के द्वारा लिखा जाता है टू शेयर द ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक, ब्लॉग्स आर टिपिकली ऑर्गेनाइज क्रोनोलॉजिकली विद द लेटेस्ट पोस्ट अपियरिंग फर्स्ट। ठीक है, ब्लॉग क्या होता है, किसी विशेष विषय पे सूचना देने के लिए होता है, अलग अलग राइटर्स उस पर अपनी जानकारी साझा करते हैं। वेब डायरेक्टरी क्या होती है, कि मैन्युअली क्यूरेटेड वेबसाइट होती है जो कि प्रोवाइड करती है एक स्ट्रक्चर्ड लिस्ट लिंक्स की ठीक है, फॉर द यूजर टू ब्राउज। वेब डायरेक्टरी एडिट पीरियोडिकली, तो ये वेब डायरेक्टरी हो गई, मैंने समझाया था। कॉर्पोरेट वेबसाइट क्या होती है, कॉर्पोरेट वेबसाइट होती है वेबसाइट दैट अ कंपनी यूजेस टू इनहांस इट्स इमेज एंड रेपुटेशन। अपनी इमेज और रेपुटेशन को इनहांस करने के लिए जो कंपनी बनाती है, इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लाइंट्स एंड पार्टनर्स, इन्फॉर्म द टारगेट ऑडियंस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज, सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेस, रिक्रूट न्यू एम्प्लॉयज, कॉर्पोरेट वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए ब्लॉग, किसी भी विशिष्ट विषय पर सूचना देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्लॉग का। ठीक, तो चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का जनक माना जाता है, तो कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। ये है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ने जो मशीन बनाई थी इसे कहते हैं एनालिटिकल इंजन। ठीक, इसी को, ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था ये, लेकिन था तो कंप्यूटर, जिसी कारण से चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। तो चार्ल्स बैबेज फादर ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, और जिन्होंने मशीन बनाई थी इसका नाम था एनालिटिकल इंजन, और 1856 में बनाई थी। ठीक, यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, एलन ट्यूरिंग। ठीक है, यह है एलन ट्यूरिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलन ट्यूरिंग ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक मशीन बनाई थी, ठीक है, जो कि नाजियों की इनिग्मा कोड को तोड़ने के काम में आई। अब आप पूछेंगे सर ये सब क्या बता रहे हैं, वर्ल्ड वॉर टू जब हो रहा था, विश्व युद्ध हो रहा था द्वितीय, समय नाजी लोग जो होते थे, जर्मन्स जो होते थे, ठीक है, वो अपनी इंफॉर्मेशन भेजा करते थे एक मशीन के थ्रू, जिसे कहते थे इनिग्मा। इनिग्मा वायरलेस सिग्नल्स भेजती थी अलग अलग पॉइंट्स पे। ठीक, और जो अलाइड नेशंस थे, खासकर ब्रिटेन, वो इस कोड को तोड़ना चाह रहे थे कि ये क्या भेज रहे हैं, हम पकड़ नहीं पा रहे। तब एलन ट्यूरिंग ने एक मशीन बनाई जो कि नाजियों के ये जो निग्मा मशीन की जो कोडिंग थी उसे तोड़ पाई, तो बता पाई ब्रिटिशर्स को कि क्या मैसेज भेजते हैं। अगर आपको ये पता है कि कौन क्या किसे वायरलेस मैसेज भेज रहा है, तो आप एनिमी को आपने आसानी से हरा सकते हैं। तो ये है एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एलन ट्यूरिंग वॉज अ इंग्लिश मैथमेटिशियन हु प्लेड अ की रोल इन ब्रेकिंग द नाजी इनिग्मा कोड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। और ये माना जाता है कुछ हद तक, ठीक है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड नेशंस या ब्रिटेन के जीतने का एक बहुत बड़ा कारण था एलन ट्यूरिंग का ये इनिग्मा के कोड को तोड़ना। ठीक है, उसके लिए इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था, ठीक है, इसे ट्यूरिंग मशीन भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कभी कभी एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। कभी कभी अगर आपसे पूछ दे कहा जाएगा, एलन ट्यूरिंग को कहा जाएगा। इन्होंने अपने आप से सोचने वाली एक मशीन बनाई थी जो कोड्स को ब्रेक कर देती थी। तो चलिए, इस पे एक हॉलीवुड में मूवी बनी है, बहुत ही अच्छी मूवी है, मैंने देखी है, इसीलिए थोड़ा बहुत मुझे इस बारे में अच्छे से पता है। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड स्टोरेज, पहला कंप्यूटर जिसमें संग्रह या स्टोरेज था, तो एडसैक, एडवैक, मार्क 1 और एस, तो वो था एडसैक। एडसैक, अब मैं आपको कंप्यूटर की जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा
तो उसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से कंप्यूटर आए और इनकी क्या क्या खासियत थी। ठीक है, तो उसी में एक था एडसैक। तो एडसैक ऐसा पहला कंप्यूटर था इसके पास स्टोरेज था। तो एडसैक का फुल फॉर्म है द इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आपके एग्जाम में ज्यादातर यही पूछा जाएगा कि एडसैक का फुल फॉर्म क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक डिले ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये कंप्यूटर नहीं है, कैलकुलेटर है, सीधा मतलब। ठीक है, वॉज द फर्स्ट फुल साइज स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर टू बी यूज रेगुलरली। तो ये रहा एड शैक। फिर यहाँ पे एडवैक है, ये आपका आंसर तो नहीं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एडसैक तरह एडवैक भी था। तो एडवैक का फुल फॉर्म होता है द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे सी का मतलब कंप्यूटर है और यहाँ पे सी का मतलब कैलकुलेटर था। ठीक, वॉज एन अर्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दैट वॉज डिजाइंड इन द 1940s एंड बिकेम ऑपरेशनल इन 1950। इंपॉर्टेंट क्या है, बस इनके फुल फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये फर्स्ट जो एडवैक था ना, ये फर्स्ट कॉमर्शियली यूज कंप्यूटर था एडवैक, फर्स्ट कॉमर्शियली यूज कंप्यूटर था। ठीक, तो मैं बाद में इन सब चीजें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब कंप्यूटर की क्लासेस लूंगा। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी के लिए PYQ डिस्कशन में इतनी ही बातें आप जान लीजिए। द ऑपरेशन ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। डिजिटल कंप्यूटर का संचालन आधारित है सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर आधारित है? काउंटिंग, मेजरिंग, इलेक्ट्रॉनिक या लॉजिकल। तो कंप्यूटर चीजों को मेजर नहीं करता। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई सिद्धांत नहीं होता। लॉजिकल और काउंटिंग दो बातें हैं, कि क्या डिजिटल कंप्यूटर लॉजिक्स पे वर्क करता है या काउंटिंग पे वर्क करता है। तो सही आंसर होगा ए, काउंटिंग। देखिए, द ऑपरेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द काउंटिंग प्रिंसिपल। इट इज बेस्ड ऑन डिजिटल सिग्नल्स दैट इज डिस्क्रीट सिग्नल्स। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दीज कंप्यूटर्स इज ईदर प्रेजेंट और अब्सेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पल्स इन अ सिग्नल। जैसे कोई सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल जैसे ऐसे आते हैं, ठीक है, ये सिग्नल्स आ रहे हैं। भी आपको ये बाइनरी कंप्यूटर बाइनरी समझता है, तो इसे वन समझता है, इसको जीरो, इसको वन समझता है, इसको जीरो, इसको वन समझता है, जीरो। तो वन का मतलब सिग्नल आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, कंप्यूटर के लिए इसी को समझता है। ठीक, और इसे काउंट करता है और इसी के हिसाब से वो अपनी सारी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक, तो इसी को कहते हैं कि कंप्यूटर का जो ऑपरेशन प्रिंसिपल है वो काउंटिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन करता है, काउंटिंग करता है, किसकी? बाइनरी डिजिट्स की। ठीक है, और बाइनरी डिजिट्स कहाँ पे आती हैं? पल्सेस के फॉर्म में आती हैं। सिग्नल जो आते हैं ना, पल्सेस के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर जो इनपुट्स हैं उन्हें कुछ स्टोरेज में रखता है और कुछ पे क्या करता है? काउंटिंग करता है। स्टोरेज से ले लेके काउंटिंग कैलकुलेशन करता है और फिर आपको आउटपुट देता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा डीप ज्यादा है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन इसमें आउट ऑफ द लीग हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हट के हैं आपके सिलेबस से या आपकी समझ से। ठीक है, फिर भी आप देखिए, समझिए, धीरे धीरे आपकी सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाएगी उसी हिसाब से। ठीक है, द इंटरनल मेमोरी इन अ सीपीयू इज नथिंग बट। सीपीयू में आंतरिक मेमोरी और कुछ नहीं परंतु है अ सेट ऑफ रजिस्टर, अ सेट ऑफ ALU, माइक्रोप्रोसेसर या बस। तो जो सीपीयू होता है ना, उसके पास जो मेमोरी होती है उसे रजिस्टर कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है? देखिए, एक तो पहली बात, कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब जो आप अलग से लगाते हैं, हार्ड डिस्क जिसे आप कहते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क कह लीजिए, पेन ड्राइव कह लीजिए, जो भी आप उसे अलग से लगाते हैं और स्टोरेज करते हैं। फिर एक मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी का मतलब हो गया रैम। ठीक, और रोम। ठीक है, जहां पे चीजें परफॉर्म होती हैं, सारी प्रोसेसर होती हैं। ठीक, फिर होता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी ये एक तरह से डाटा को ट्रांसफर करने का काम करती है। कहां पर? सीपीयू में। अब मेन मेमोरी से डाटा को लेके जल्दी से सीपीयू तक जाती है। ये सीपीयू, पूरा सीपीयू ये है, सीपीयू ये है, सीपीयू तक लेके आए उस डाटा को। तो कैसे सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है सिस्टम में, डाटा को जल्दी जल्दी लाती है, ले जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है सीपीयू। अब सीपीयू कैलकुलेशन के दौरान भी तो डाटा बना रहा है। मान लीजिए उसके पास एक साथ 15-20 डाटा है, कुछ डाटा को कैलकुलेट किया, कुछ स्टोर किया, फिर उस पर काम किया, फिर कुछ स्टोर किया, फिर उस पर काम किया, फिर कुछ
स्टोर किया, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस जो वो स्टोर करेगा तो कहाँ पे करेगा, वो करेगा रजिस्टर में, यही होता है रजिस्टर। ठीक, तो यही ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इंटरनल मेमोरी ऑफ अ सीपीयू इज नथिंग बट, जो इंटरनल मेमोरी होती है सीपीयू की वो क्या होती है, रजिस्टर होती है। ठीक है, ये सीपीयू कुछ ऐसा देखने में होता है, सिस्टम में सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर इनबिल्ड होता है। ठीक है, और ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इनेबल कैलकुलेशंस इन रो एंड कॉलम्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम पंक्तियों अर्थात रोज और खानों अर्थात कॉलम्स से संबंधित संख्याओं की गणना करने में सक्षम है। विंडोज प्रोग्राम नहीं, विंडो में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, आप प्रोग्राम को कह रहे हैं पता नहीं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम, हाँ बिल्कुल सही, स्प्रेडशीट का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफिक्स प्रोग्राम, ग्राफिक्स का इस्तेमाल तो पिक्चर करने बनाने के लिए किया जाएगा ना, पिक्चर फोटो एडिटिंग करने के लिए। वर्ड प्रोग्राम नहीं, वर्ड प्रोग्राम का इस्तेमाल तो टेक्स्ट से संबंधित चीजों के लिए किया जाएगा। तो द राइट आंसर विल बी स्प्रेडशीट प्रोग्राम। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि आपको अगर कोई किसी स्कूल कॉलेज में या किसी संस्था में है तो बहुत ज्यादा डाटा आपके पास हो जाता है एक जैसा, आपको उस डाटा को कैलकुलेट करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, तो आप स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में भी स्प्रेडशीट बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है कि भाई बहुत सारा डाटा है यहाँ पे, तो अब जैसे यहाँ पे क्या है, ये एक स्कूल है, मान लीजिए स्कूल में स्टूडेंट्स के नाम है, उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स में नंबर है, सबको आपने फीड कर दिया, तो आप चाहेंगे यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, बस इंटर मारेंगे पूरा सबको वो जोड़ के दे देगा आपको। यहाँ चाहे हजारों बच्चे हो, हजारों बच्चों का 1 सेकंड में आपको सबका नंबर जोड़ के दे देगा। ठीक है, तो ये होता है स्प्रेडशीट का काम। ठीक है, कि जो कैलकुलेशंस होती हैं उन्हें रो या कॉलम्स में करना। ठीक, आपने सारा बस डाटा फीड कर दीजिए, आप उसे कहिए काम करो, सारा ऐड कर दो, तो इन सभी को ऐड करके वो दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सबका डाटा आ जाएगा लाइन से। आप ये कहोगे काम करो मैथ्स में सबके नंबर जोड़ लो, वो जोड़ लेगा। एवरेज कहोगे तो वो यहीं पे एवरेज कर देगा। कहोगे इंग्लिश में सबको एवरेज कर लो, सबको इंग्लिश में जोड़ के एवरेज कर लेगा। ठीक है, तो रो और कॉलम में कैलकुलेशन अगर करनी है तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम का यूज किया जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इनेबल कैलकुलेशन इन रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम में कैलकुलेशन करने को इनेबल करता है, तो वो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ठीक है, स्कूल कॉलेज बड़ी बड़ी संस्थाओं में इसी का इस्तेमाल होता है। वर्ड फाइल ऑफ 50 पेजेस वॉज क्रिएटेड ऑन द कंप्यूटर टू प्रिंट द इनिशियल 12 पेजेस ऑफ दैट फाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कमांड शुड बी चूजन। कंप्यूटर पर एक पृष्ठ की 50 वर्ड फाइलें बनाई गई हैं, उस फाइल के पहले 12 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट कमांड लेना पड़ेगा। देखिए 50 पेजेस हैं, एक पेज है, 2 पेज है, 3 पेज है, ऐसे करते करते डॉट 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 50, 50 पेजेस हैं आपके पास, और आपको शुरुआत में केवल 12 पेजों की प्रिंटिंग करनी है, बाकी नहीं करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे, क्या करेंगे, CTRL कंट्रोल प्लस पी मतलब प्रिंट कमांड देंगे। पहली बात तो प्रिंट कमांड कुछ ऐसे खुल जाता है जो मैंने यहाँ लगाया है। अब देखिए खुलता क्या है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसे खुल जाता है प्रिंट करने पर, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो प्रिंटिंग चालू हो जाएगी। कॉपीज मतलब आपको कितनी चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, कॉपीज का मतलब होता है मतलब 50 का जो सेट है, एक बार एक चाहिए कि दूसरा भी 50 का सेट निकालना, तीसरा निकालना, आप जितना नंबर करेंगे उतनी वो कॉपीज निकाल देगा। फिर ये उस डिवाइस का नाम जिससे आपको कनेक्ट करके निकालना है, तो यहाँ आप प्रिंटर जो अटैच करते हैं, यहाँ पे होता है कि कितने किस से लेके किस पेज तक आपको करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्रिंट ऑल पेजेस होता है, आप यहाँ पे अगर डाल देंगे 1 से लेके 12 तक हमको करना है, 1-12 ऐसे कर देंगे तो वो 1 से लेके 12 तक सारे पेजेस को प्रिंट कर देगा। 1, 2, 3, 4, 5, 12 तक जाएगा, रुक जाएगा, उसके बाद कोई पेजेस को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक, ये होता है, और यहीं पे ऑप्शन भी पड़ा हुआ है आपका, अभी मैं बताता हूँ। लेकिन जैसे अब आपसे कह दे कि केवल इवन पेजेस को प्रिंट करना है, इवन पेजेस को प्रिंट करना है तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 ऐसे कर दीजिए, तो केवल इवन पेजेस को प्रिंट करेगा। आप कह दीजिए और ऑड पेजेस को, तो 1, 3, 5, 7 ऐसे कर दीजिए। ठीक है, या आपका मन है कि केवल 5 से लेके 12 तक करें, तो आप यहाँ करिए 5-12,
5 से लेके 12 तक के पेजेस को वो प्रिंट करेगा, ठीक है। आई होप ये बात चीज आपको समझ में आ गई होगी प्रिंट कमांड में। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है, तो कोई थ्योरी से नहीं समझा सकता। आप सिस्टम अगर यूज करते हैं तो आपको ये चीजें पता चलती रहेंगी धीरे धीरे, ठीक है। और आप ऑप्शन देखते ही समझ में आता है कि क्या होगा। तो प्रिंट फ्रॉम 1 to 12 इसका सही आंसर होगा, कि अगर आपको 1 से लेकर 12 तक पेजेस आपको प्रिंट करने हैं तो Ctrl+P दबाएंगे, ये प्रिंट कमांड खुल जाएगा और यहाँ पर आप प्रिंट फ्रॉम 1 to 12 कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी FDD स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर शब्दावली में FDD का पूर्ण रूप है। FDD का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, राइट ऑप्शन विल बी सी। अब आप कहेंगे ये क्या है, ये FDD स्टैंड्स फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, अ हार्डवेयर डिवाइस दैट रीड्स एंड राइट्स डाटा ऑन फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क पहले यूज होती थी, अब नहीं यूज होती है, ठीक है। पहले क्या होता था कि फ्लॉपीज आती थी, छोटी फ्लॉपीज होती थी, स्क्वायर साइज में ऐसे आती थी, बड़ी अलग अलग साइजेस की आती थी। तो ये एक फ्लॉपी ड्राइव होती थी, ठीक है। आप यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क डाल देते थे ऐसे, तो वो फ्लॉपी ड्राइव से पढ़ के भेज देती थी, तो इसी को कहते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, मतलब फ्लॉपी डिस्क को पढ़ने वाली जो ड्राइव होती थी, ठीक है। अभी ऑब्सोलीट हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है, अभी यूज नहीं की जाती, ठीक है। FDD का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, बहुत ही सिंपल चीज है। द अमाउंट ऑफ मेमोरी रैम एंड रोम इज मेजर्ड, मेमोरी की मात्रा फिल इन द ब्लैंक्स रैम और रोम में मापा जाता है। तब रैम और रोम को किस तरीके से मापा जाता है, आपको देखिए रैम का फुल फॉर्म होता है पहली बात तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक, गेम के फुल फॉर्म है। और ये आपके मोबाइल और लैपटॉप दोनों में होती है रैम और रोम्स, ठीक। और देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मोबाइल की स्पेसिफिकेशन लगाई है, आपको थोड़ा सा इससे समझ में आएगा क्या चीज है। देखिए रैम लिखा है ना, 12 GB रैम एंड 256 GB रोम, तो देखिए दोनों की यूनिट क्या है, जीबी है, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो रैम और रोम दोनों को मेजर करने की यूनिट क्या है, जीबी, ठीक है, इस समय जो प्रेजेंटली यूज हो रही है, ठीक है। पहले कभी एक जमाना था जब रैम और रोम दोनों एमबी में आया करती, लेकिन प्रेजेंटली अब टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि रैम और रोम दोनों किस में आ रहे हैं, जीबीज में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मोबाइल का लगाया, आप लोग अगर मोबाइल परचेज करते होंगे जरूर देखते होंगे कि रैम कितनी है मेरे मोबाइल की, रोम कितनी है, ये वही होता है। तो ये पूछा गया है, तो यहाँ देखिए जीबी तो है ही नहीं ऑप्शन में, गीगा बाइट तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या होगा भाई। अब इससे देखिए इसके आसपास क्या है, बाइट्स तो बहुत छोटा है, बिट्स बहुत छोटा है, मेगा बाइट्स आसपास का है, मेगा बिट्स कुछ होता नहीं है, राइट ऑप्शन विल बी सी। देखो गीगा बाइट्स होना चाहिए था, मतलब जीबी, लेकिन नहीं है, तो उसके आसपास का आंसर क्या होगा, मेगा बाइट्स लोगे। यही होता है थोड़ा सा तर्क वाला दिमाग इस्तेमाल करना, रीजनिंग इस्तेमाल करना अपनी, अगर नहीं है तो उसके आसपास का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, हेक्साडेसिमल संख्या किसके द्वारा दर्शाई जाती है। तो देखिए चार तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, पहले बता चुका हूँ, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी में 0 1 होता है, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक होता है, डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक होता है, हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर F तक होता है। अब आप कहेंगे F कहाँ से आ गया, 0 से लेकर 9 तक तो होता है 10, A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12, इधर 13, 14, 15, 15 तक जाता है, ठीक है, ये होता है हेक्साडेसिमल। तो ये कह रहा है जब मैं क्वेश्चन पढ़ा तो मैं कहा लग रहा है हेक्साडेसिमल के नंबर पूछ रहा है, लेकिन जब अब ऑप्शन पढ़ा कि 3 डिजिट्स, 4 बाइनरी डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 8 डिजिट्स, तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया तो याद आया, हाँ 4 बाइनरी डिजिट्स में होता है। अब आप कहेंगे ये कैसे, जब हेक्साडेसिमल को आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन होता है ना, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना, तो जब आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4 डिजिट्स में ही आता है, जैसे 0 को 001, 1 को कुछ इस तरह से लिखते हैं, 2 को जब लगाएंगे तो ये कुछ ऐसे लिखाता है। देखिए देखिए 4 बाइनरी डिजिट्स हैं, तो हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बाइनरी डिजिट सही होती है। तो यही कह रहा है कि हेक्साडेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई 4 बाइनरी डिजिट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई इफ द बोथ इनपुट्स आर, यदि दोनों इनपुट हाई होगा तो नॉर गेट आउटपुट। ठीक है, अब पहली बात ये जो नॉर गेट है ये क्या होता है, बहुत यूनिक यूनिक क्वेश्चन है इस सेट में। ठीक है, अगर आप लोग डाउन मत होइएगा, कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, कुछ मतलब ये क्वेश्चन मेरे लिए कुछ ऐसा है नहीं, मैंने इन चीजों को कई बार देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर तो मुझे पता है, लेकिन कभी कभी आप लोगों को कंप्यूटर से इतना लगता होगा कि यार ये सब क्या है। बहुत तरीके के ये लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे एंड और नॉट, नैंड नॉर जोर, सब क्या लॉजिक गेट्स है और इनके अपने फॉर्मूलेज होते हैं। बस आपको यही पता होना चाहिए कि इनका फॉर्मूला क्या होता है, आप सारी चीजें कर लेंगे। अब जैसे पूछा है नॉर गेट, ये रहा नॉर गेट। देखिए नॉर गेट का कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है फिर भी। ठीक है, नॉर गेट का देखिए कैलकुलेशन कुछ ऐसे की जाती है, एफ इजिकल टू ए प्लस बी और ऊपर इन्वर्जन का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब ये होता है, देखिए ए और बी की वैल्यू, अगर हम इन्वर्जन का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको उल्टा करते हैं। ठीक, अब जैसे ए और बी की वैल्यू देखिए, इसकी टेबल बनी हुई है, ए और बी की वैल्यू हमने जीरो रखी, यहाँ पे जीरो रखी, यहाँ पे जीरो रखी, दोनों ऐड करके क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक, जीरो आ गया, लेकिन ऊपर अब इन्वर्जन का साइन है, अब इन्वर्ट होगा, इन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, वन। क्या आ गया आंसर, वन, क्योंकि बाइनरी में दो ही डिजिट है, जीरो और वन, सारी कैलकुलेशन जीरो वन में कर दी। फिर आपने क्या रखा, जीरो वन रखा। अब एक सेकेंड, आप एक काम कर, हाँ जीरो और वन रखिए, जीरो वन ऐड किए क्या आएगा, वन आया। अब आप इसका इन्वर्ट इन्वर्जन करेंगे, इन्वर्जन करेंगे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो मैं कुछ ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक, तो ठीक, पहला वाला क्या था कि जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, इन्वर्जन है ये वन, ये पहले वाला ऑप्शन जो पहला था, दूसरा ये हो गया। तीसरे में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ए है उसको वन रख दे रहा हूँ, बी को जीरो रख दे रहा हूँ, तो दोनों को जोड़ेंगे वन आ जाएगा, फिर से इसके ऊपर इन्वर्जन होगा तो जीरो आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में क्या रखेंगे, दोनों को वन रख दें, वन प्लस वन, ठीक है, इसके ऊपर इन्वर्जन लगा दे रहे हैं, तो वन प्लस वन जोड़ेंगे क्या आएगा, वन आएगा, इसके ऊपर इन्वर्जन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये देखिए ये सभी क्या है, नॉर गेट के आउटपुट है। देखिए ये सभी क्या है, ये सारे आउटपुट लो है क्योंकि जीरो है, हाई कब होगा आउटपुट, जब वन होगा। यही पूछ रहा है कि इनपुट क्या दें कि आउटपुट हाई आ जाए, इनपुट हम जीरो जीरो देंगे तो आउटपुट हाई हो जाएगा, तो द राइट ऑप्शन वुड बी ए। सॉरी, ये कुछ ज्यादा ही चीजें आपको समझानी पड़ गई, कभी कभी गेट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। गेट्स के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, पहली बार आप देख रहे होंगे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, अदरवाइज गेट्स वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक होते हैं कंप्यूटर के, बाद में आपको सब बता देंगे हम। ठीक है, तो ये रहा नॉर गेट। इसी तरह यहाँ पे एंड गेट है, एंड गेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, और गेट में क्या होता है, दोनों का एडिशन हो जाता है इनपुट्स का। नॉर गेट में क्या होता है कि चीजों का डायरेक्ट इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, आप जो भी इनपुट देंगे उसको बदल के दे देगा, जीरो देंगे तो वन देगा, वन देंगे तो जीरो देगा। एंड गेट आता है, नॉर गेट आता है, जोर गेट आता है। ठीक है, ये तीन बेसिक गेट्स हैं, ये तीन बेसिक गेट्स हैं, बाकी जितने गेट्स हैं इन्हीं तीनों से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा ही हो गया आगे बातें। कोरल, वेंचुरा, इलस्ट्रेटर आर द एग्जांपल्स ऑफ, ये क्या है, कोरल, वेंचुरा, इलस्ट्रेटर किसके उदाहरण है। अगर नाम पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, कोरल वेंचुरा तो बड़े ना पढ़ा, इलस्ट्रेटर तो समझ में आ रहा होगा क्या है। इलस्ट्रेटर मतलब इलस्ट्रेट जो करे, कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड है, तो वर्ड प्रोसेसिंग का तो नहीं होगा, ग्राफिक्स हाँ होगा, मल्टीमीडिया नहीं, डीटीपी नहीं, ये क्या होता है पता नहीं, तो ग्राफिक्स विल बी द राइट आंसर, इलस्ट्रेटर। तो एक्चुअली क्या होता है, कोरल वेंचुरा और इलस्ट्रेटर ये ग्राफिक्स डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर है। देखिए यहाँ पे मैंने लगाया है, ये कोरल, वेंचुरा एंड इलस्ट्रेटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन एंड पब्लिशिंग वर्क, ये एक तरह से डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, जो कि यूज किए जाते हैं आज के मॉडर्न टाइम्स में, आपको बैनर्स बनाते बनाने, देखिए ऊपर लिखा होगा कि कोरल है, कोरल सॉफ्टवेयर, कोरल, ठीक नहीं दिख रहा आपको, देखिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक डिजाइन बना रहे हैं। ठीक है, आप हो सकता है कल इसको पेपर में पब्लिश करें या एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में निकालें। ठीक है, तो यही है, पूछा है कि ये सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स हैं,
बहुत ही फेमस है, डिजाइनिंग और पब्लिशिंग के काम आते हैं। इनका नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कोरल, वेंचुरा और इलस्ट्रेटर। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइनेक्स इज अ टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक सॉफ्टवेयर। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रारूप है? ये शेयरवेयर है, ये क्या होता है पता नहीं। कॉमर्शियल नहीं, व्यावसायिक तो बिल्कुल नहीं, प्रॉपर्टाइज स्वामित्व वाला नहीं, ओपन सोर्स। हाँ बिल्कुल सही, ओपन सोर्स है। लाइनेक्स है ओपन सोर्स। पहले भी मैं आपको प्रीवियस 3 लेक्चर्स में बता दे चुका हूँ लाइनेक्स के बारे में, वहां पे आती आई होंगी, आई थी वैसे। ठीक है, तो लाइनेक्स क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए लाइनेक्स का सिंबल कुछ ऐसा होता है, एक पेंगुइन बैठा होता है। ठीक है, लाइनेक्स का सिंबल है। कहीं पूछा जा सकता है कि लाइनेक्स कैसा दिखाई देता है, एक पेंगुइन दिखाई देता है ऐसे। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स मतलब फ्री इंटरनेट पे अवेलेबल है, एक यूजर इसको डाउनलोड कर सकता है, इसको पढ़ सकता है, के कोड्स को इसको इनके कोड्स को चेंज कर सकता है, और फिर से एक नया सॉफ्टवेयर बना के डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। ठीक है, तो ओपन सोर्स का मतलब ये होता है। ओपन सोर्स होने के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, लाइनेक्स के कुछ बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो लो कॉस्ट है, क्योंकि लाइनेक्स फ्री पड़ा हुआ है। फिर एक दूसरा क्या है, स्टेबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी। लाइनेक्स क्या होता है, जनरली लेस वल्नरेबल होता है मालवेयर, रैंसमवेयर और वायरसेस के। मतलब मालवेयर, रैंसमवेयर, वायरस जल्दी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। कम्युनिटी होती है इसके पास। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ वर्ल्ड लेवल पे कुछ लोग हैं, कम्युनिटी अपनी बना के बैठे हैं, जो लाइनेक्स को हमेशा अपडेट करते रहते हैं, उसमें नए नए फीचर्स प्रोवाइड करते रहते हैं, कोई भी बग या प्रॉब्लम आ जाए तो उसे रिजोल्व करते हैं। तो कहते हैं कम्युनिटी, जो कि फ्री में आपको सर्विस देती है। ठीक है, फिर ये देखिए अगला पॉइंट ये है कि एंड्रॉयड जो ओएस है ना, जो एंड्रॉयड आपके मोबाइल में यूज होता है, वो लाइनेक्स पे ही बेस्ड है। और लाइनेक्स टोरवाल्ड्स इज नोन एज अ फादर ऑफ लाइनेक्स। ये एक एग्जाम में पूछा गया था कि लाइनेक्स के फादर कौन है, लाइनेक्स टोरवाल्ड्स। देखिए नाम मैच करता हुआ है। ठीक है, अगर पूछा भी जाएगा तो आप थोड़ा सा जनरल माइंड यूज करके जरूर से अटेम्प्ट कर लेंगे। ये कुछ चीजें थी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में, मैं कहा कई बार आ चुका है तो आपको जरूर बता दूं। फिर यहाँ पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सी निर्देशित प्रणाली अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रथमतः विकसित किया गया है? विंडोज ME, विंडोज XP, MS-DOS, विंडोज 97। ये सभी जो विंडोज के वर्जन है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन सबसे पहले कौन सा लाया गया था? MS-DOS लाया गया। तो MS-DOS में आप डायरेक्ट कमांड ही देते थे, इसमें कोई स्क्रीन नहीं थी जिसके अंदर आइकन्स बने हो, आप माउस से ले जाएं, क्लिक करें और खुल जाए, ऐसा कुछ नहीं था। वहां आप सब कुछ कमांड देते थे, आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन रहती थी, आप उस पर कमांड लिखते जाते थे, कंप्यूटर उस हिसाब से काम करता रहता था। ठीक है, तो MS-DOS एकदम शुरुआती ऑपरेटिंग सिस्टम था। आज होता तो हम लोग शायद उसको यूज करने के लिए पहले पढ़ना पड़ता था बहुत अच्छा खासा। आजकल के कंप्यूटर को तो आपको पढ़ना नहीं है, बस आप बैठा दीजिए, आप कर लेंगे। तो ये रहा, सबसे पहले 1981 में MS-DOS आया था, फिर 85 में Windows 1 आया, Windows 2 आया, 3 आया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 1, 2, 3, NT, ये याद रखिएगा, NT आया था। आपको साल नहीं याद रखना है, क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि किसके बाद कौन सा आया था। ठीक है, हो सके तो इसी फिगर को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि MS-DOS आया, फिर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 3 के बाद NT आया, के बाद 95 आया, विंडोज 95 95 में आया, विंडोज 98 आया, फिर 2000, फिर विंडोज XP। बहुत ही आज तक का सबसे जो पॉपुलर या सबसे सक्सेसफुल जो अब तक का विंडोज रहा है, विंडोज XP रहा है। विंडोज विस्टा बहुत ही प्रॉब्लम आई थी इसमें, बहुत जल्दी इसने विंडो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको विड्रॉ कर लिया। फिर विंडोज 7, सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल जो है विंडोज 7 ही। मैं अपने सिस्टम में विंडोज 7 काफी यूज किया था, फिर विंडोज 8, विंडोज 10, अब तो विंडोज 12 तक आ गया है। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा कि किसके बाद कौन सा आया है। ठीक है, बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं। इस समय माइक्रोसॉफ्ट इस समय लेटेस्ट शायद विंडोज 12 चल रहा है। लिस्प, अगला क्वेश्चन है, लिस्प इज द सेकेंड ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हेयर लिस्प स्टैंड फॉर लिस्प का, ये देखिए लोगों कुछ इस तरह का होता है लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिस्प मुझे मुझे भी पहली बार आया था तो मैंने भी देखा, अगर मैं एग्जाम में होता तो उसे सही से अटेम्प्ट ना कर पाता। ऐसे लिस्ट का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोग्राम प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग। सोचिए, लग नहीं रहा, प्रोग्रामिंग लगेगा लेकिन होता क्या है, लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट इज एन एक्रोनिम फॉर लिस्ट प्रोसेसिंग। देखिए लिस्ट लिखा कैसे है, LIS, देखिए कैपिटल में लिखा है, फिर P का मतलब प्रोसेसिंग बना दिया है। ठीक, लिस्ट प्रोसेसिंग
इट्स फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट्स कॉमनली यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के लिए जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक, तो ये रहा, ये पूछा गया था लिस्ट का फुल फॉर्म क्या है, बस आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इंड मेन्यू इज अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ विच बटन। इंड जो मेन्यू है किस बटन के क्लिक करने पे अवेलेबल हो जाता है, तो स्टार्ट बटन के क्लिक करने पे अवेलेबल हो जाता है। देखिए बहुत इसका एग्जैक्ट आंसर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, आप अगर विंडोज यूज करते होंगे तो आप देखे होंगे नीचे जाने पे विंडोज के यहाँ लेफ्ट साइड कॉर्नर में ये होता है स्टार्ट बटन, इस पे जहाँ क्लिक करते हैं पूरा ये मेन्यू खुल जाता है, इसी को कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। अब इसमें इंड जो मेन्यू है आप ढूंढ लीजिए, आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, लेकिन अब बनाना था क्वेश्चन तो इन्होंने बना दिया। ये एक बोगस क्वेश्चन है मेरी तरफ से, ठीक है, इट्स यूजलेस। आप इंड मेन्यू आप ढूंढ के देख लीजिए, मिलेगा नहीं। मैंने बहुत कर लिया इस पे काम, मुझसे गलती हो रही हुई, बट मैंने काफी सर्च किया और देखा भी, नेट पे भी सर्च मारा, इंड मेन्यू ना कुछ होता नहीं है, उन्होंने एक बोगस क्वेश्चन बस सेट कर दिया। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वॉज डेवलप्ड बाई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किसने विकसित किया था? हाँ बिल्कुल सही, माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट आई 1977 और ये 1980s कब किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने, ठीक है, और जिसके सीईओ है कौन, बिल गेट्स। बिल गेट्स द कंपनी सीईओ एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्रिएटेड इट इन 1988 में किया हुआ है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंक्लूडेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो यहाँ आपको कई बातें मैं सिखाऊंगा। पहली बात तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके फाउंडर कौन है, बिल गेट्स हैं, सीईओ भी हैं। 1988 में पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया था, और जब आया था तो उसमें तीन ही चीजें थी, एक तो वर्ड, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये तीन चीजें आपको पहली बात तो याद रखिए, ठीक। तो इसके हिसाब से सही आंसर होगा बी, सबसे अगर पास का आंसर चुनेंगे तो यही पड़ेगा। ये सन माइक्रोसॉफ्ट तो नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे, बाइको 1970s नहीं लेंगे, 1980s लेना पड़ेगा, मजबूरी है। फिर उसके बाद इस समय प्रेजेंट में तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ईयर बाय ईयर ग्रोथ करता गया, और उसमें और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वन नोट आ चुका है, आउटलुक आ चुका है, वन ड्राइव आया है, टीम्स आया है, एमएस एक्सेस आ चुका है, एमएस पब्लिशर और स्काइपी, ये सब अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही अंदर आ चुके हैं, ठीक, और समय के साथ ही डेवलप किए गए हैं। एक एग्जाम में पूछ दिया गया था कि स्काइपी जो है वो किस कंपनी का है, तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ठीक है, और इनके भी नाम आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं कि ये किसके प्रोडक्ट है, ठीक, जा सकते हैं क्या, पूछे गए होंगे किसी ना किसी एग्जाम में, आई एम श्योर ऑफ इट। इस समय मार्केट में जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो ऑफिस 2024, द करेंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ऑफिस 2024 विच वॉज रिलीज ऑन 1 अक्टूबर 2024। आपको डेट नहीं याद रखनी है, आपको बस ये पता रहना कि कौन सा लेटेस्ट चल रहा है, वह ऑफिस 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए ये सब ऑफिस में होता है ना, एक्सेल आता है, वन नोट है, आउटलुक है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, देखा होगा आपने, मैं इस समय पावर पॉइंट पर ही आपकी लिए प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, ठीक है, तो कितना यूजफुल है कोई सॉफ्टवेयर, तो आपको पता चल जाएगा जब आप यूज करेंगे। शॉर्टकट की टू गो टू द लास्ट लाइन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज, दस्तावेज के अंतिम पंक्ति में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, कंट्रोल प्लस लास्ट, कंट्रोल तो ठीक है, लास्ट नाम की कोई बटन ही नहीं होती है, तो ये तो नहीं होगा, कंट्रोल प्लस एल, नहीं, कंट्रोल प्लस एल से चीजें लेफ्ट अलाइन हो जाती हैं, ठीक है, लेफ्ट अलाइन करने के लिए होता है, एल ई एफ टी, लेफ्ट अलाइन, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, कंट्रोल प्लस ई, हाँ बिल्कुल सही, इससे लास्ट में चल जाते हैं, आल्ट प्लस एल ये कोई कमांड होता है, राइट ऑप्शन विल बी सी। ये सब न समझते हुए आपको बस ये चार शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए। कंट्रोल प्लस होम दबाते हैं तो सीधा, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके 10 पेजेस हैं, आपको जरा समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, डॉट 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 10 पेजेस है, आप मान लीजिए इस पेज पे हैं, मान लीजिए फोर्थ नंबर के पेज पे हैं, आप कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे ना, आप डायरेक्टली जो फर्स्ट पेज के एकदम टॉप वाली रो है उस पर आके खड़े हो जाएंगे, ठीक, ओके, अब आप यहाँ आ गए, तो आप समझ में आ गया कंट्रोल प्लस होम क्या करता है, आपको डॉक्यूमेंट के एकदम बिगिनिंग में लेके आता है, ठीक, अब आप फोर्थ नंबर पे हैं, अब आप क्या करते हैं कंट्रोल प्लस इंड दबाते हैं, अब वो क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज की लास्ट लाइन पे लाके खड़ा कर देगा, ठीक, तो गो टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये समझ में आ गया ना,
कंट्रोल प्लस होम क्या कर रहा है, कंट्रोल प्लस ई क्या कर रहा है। आप यहाँ पे हैं अभी फोर्थ नंबर पेज पे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तो क्या करेगा आपको जस्ट एक नीचे वाले पेज पे ला के रख देगा। अब फिर से कंट्रोल पेज डाउन हो गया, कंट्रोल प्लस पेज अब दबाएंगे तो आपको जस्ट एक पेज ऊपर ले जाएगा। ठीक, तो ये होता है इन चार कमांड्स का यूज। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड, संग्रहण से संबंधित संचिका को क्या कहा जाता है। हिंदी तो कुछ ज्यादा ही टफ हो गई है, हिंदी को नहीं प्रेफर करूंगा, इंग्लिश सही जाऊंगा। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड कैरेक्टर, ये क्या होता है पता नहीं। फील्ड, ये तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डाटाबेस की, ये भी नहीं होगा डाटाबेस, हाँ डाटाबेस होना चाहिए। रिकॉर्ड, नहीं रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड फील्ड सबसे नीचे होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डाटाबेस की, फिर रिकॉर्ड आता है SCORD, और रिकॉर्ड के बाद डाटाबेस आता है। और यहाँ पे क्या होता है फील्ड, FEILD। ठीक, ये एक हायरार्की होती है डाटाबेस में डाटा की। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ फील्ड रिकॉर्ड पे डाटाबेस। तो यहाँ पे पूछा क्या था कि एक कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड, बहुत सारी फाइल है उनका कलेक्शन जो है क्या कहलाता है, डाटाबेस कहलाता है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, जैसे फेसबुक है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, यूट्यूब है, ये सब अपना डाटा स्टोर करती हैं वेब पे, सर्वर्स पे। तो सर्वर्स पे उस डाटा को मैनेज करने के लिए वो जो एक सॉफ्टवेयर यूज होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और जो डाटा होता है ना उसे कहते हैं डाटाबेस, बहुत सारा डाटा होता है। ठीक है, तो और डाटाबेस क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है डाटा का। जैसे एग्जाम्पल ले लिए लाइब्रेरी या बैंक, लाइब्रेरी या बैंक में जो डाटा रखे आते हैं ना, डाटा बेस कई तरह के आते हैं, और उसको मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसे कहते हैं डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरेक्ट करता है यूजर के साथ, अदर एप्लीकेशंस एंड द डाटा बेस इटसेल्फ टू कैप्चर एंड एनालाइज डाटा। डाटा बेस मैनेज सिस्टम डाटा को मेंटेन करता है। ठीक, और बहुत सारे डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत, मतलब कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट के एग्जांपल कौन कौन से, जैसे मैं बता चुका हूँ ओरेकल बहुत फेमस नाम है। ठीक, और माइक्रोसॉफ्ट SQL, ये भी एक SQL क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक, आई होप आपके बात समझ में आई होगी। डेटाबेस के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, बहुत डीप नहीं आते हैं, हल्का फुल्का आपको पता रहना चाहिए। जैसे देखिए ये लगाया है, कोई बहुत बड़ा कंपनी का डाटा है, ठीक है, रखा हुआ है सर्वर्स में, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, और ठीक है ये इस पूरे डाटा को मैनेज करता है। ठीक है, इसको डिफाइन करता है, इसका रिकॉर्ड रखता है, कोई भी क्वेरी आती है उसको आता है, अपडेट आता है तो अपडेट करता है डाटा को। ठीक है, मैनेज करता है पूरी तरीके से डाटा को, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कोई मोबाइल से उस फेसबुक को खोल रहा है, कोई टैबलेट से खोल रहा है, कोई सिस्टम पे खोल रहा है। ठीक है, और कभी कभी जो यूजर होता है वो भी इसको एक्सेस करता है। ठीक है, तो ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से क्वेश्चन आ गया डेटाबेस मैनेजमेंट का कि DBMS हेल्प्स टू अचीव। तो आपको पता होना चाहिए पहले DBMS मतलब होता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, किस लिए मतलब किस लिए यूज होता है, डाटा की इंडिपेंडेंस के लिए, डाटा की सुरक्षा के लिए, सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल ऑफ डाटा, सेक्शन ऑफ डाटा, बोथ वन एंड टू। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा डी ऑप्शन, बोथ वन एंड टू, क्योंकि जो DBMS होता है वो डाटा को सुरक्षा ही प्रदान करता है और डाटा को केंद्रीकृत कंट्रोल रखता है। ठीक, तो देखिए ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स टू अचीव डाटा इंडिपेंडेंस, मतलब डाटा स्वतंत्र रहते हैं। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं कि नेट पे कहीं घूम रहे हैं, एक सर्वर में प्रॉपरली वो मेंटेन रहते हैं। ठीक है, डाटा की इंटीग्रिटी रहती है, मतलब जो भी डाटा है सही है, उसकी कॉपीज नहीं है, वो पायरेसी नहीं है, गलत नहीं है, सही है, डाटा सिक्योरिटी रहती है, और सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल ऑफ डाटा होता है। ये चार चीजें होती हैं DBMS को, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करने के ये चार फायदे होते हैं कि डाटा डिपेंडेंस रहता है, डाटा में इंटीग्रिटी रहती है, डाटा में सिक्योरिटी रहती है, और सेंट्रलाइज कंट्रोल रहता है डाटा का, और यही पूछा गया है। तो यहाँ पे हो गया था ऑप्शन डी।
डीबीएमएस इज यूज इन मेनी सेक्टर्स इंक्लूडिंग बैंकिंग। बैंकिंग में डीबीएमएस यूज होता है। हमारा आपका डाटा जो बैंक एक्सेस करती है, कैसे यूज करती है या कैसे स्टोर रखती है, डीबीएमएस के थ्रू एक्सेस करती है। जो टिकट रिजर्वेशन करते हैं कि कौन सी सीट बुक हुई, कौन सी नहीं बुक हुई, किसको क्या नंबर मिला। होटल बुकिंग में डीबीएमएस यूज होता है, ठीक है। और ऑनलाइन शॉपिंग जो फ्लिपकार्ट अमेजन में भी, आप कितना खरीद रहे हैं, कितना परचेज कर रहे हैं, कितनी इन्वेंट्री रह गई, ठीक है, क्या प्राइस रहा, कब अप एंड डाउन होना, ये सब डीबीएमएस मेंटेन करता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये क्यों लगा रखा है, जैसे स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका रोल नंबर, उनका नाम, उनकी एज, उनकी बैच आईडी, ये सब स्टोर करना है, अलग जगह से एक्सेस भी करना है, तो इसके लिए डीबीएमएस यूज करना मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नाम में ही है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डाटा को क्या करे, मैनेज करे। कौन सा डाटा को, जो ऑनलाइन नेट पे रखा हुआ है या सिस्टम के अंदर भी रखा हुआ है। ईथरनेट, टोकन रिंग एंड टोकन बस आर टाइप्स ऑफ, ये क्या होते हैं, ईथरनेट, टोकन रिंग एंड टोकन क्या होते हैं, ये लैन होते हैं, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं। तो आप कहेंगे सर ये क्या है, देखिए नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या है, कैसे अलग अलग नेटवर्क्स जोड़े जाते हैं, कैसे अलग अलग सिस्टम जोड़े जाते हैं। जैसे पॉइंट टू पॉइंट होता है, जैसे एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से केबल से जोड़ दिया। एक होता है बस सिस्टम, वायर एक गुजरी है मेन केबल, उससे अलग अलग सिस्टम्स अटैच हो गए। एक होता है रिंग, देखिए रिंग से जुड़े, मतलब एक रिंग के शेप में, एक होता है स्टार शेप, ठीक है। ये अलग अलग तरीके की टोपोलॉजीज होती हैं। तो पूछा है कि जो टोकन रिंग है, ये रिंग है ना, टोकन रिंग, और ये टोकन बस है, टोकन बस ये रहा, ये क्या है, ये लैन के एग्जाम्पल है, लोकल एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल है, ठीक, लोकल एरिया। स्कूल कॉलेज में जो बच्चे होते हैं, जब वो कोई एक आपस में मिलके गेम खेलते हैं, जैसे पबजी आप सुने होंगे या कोई और भी, तो वो अपनी एक खुद का वो बना लेते हैं, सर्वर बना लेते हैं, और टोपोलॉजीज में वो रिंग टोपोलॉजी या बस में टोपोलॉजी में गेम खेलते हैं, ठीक है। ईथरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये लोकल या नेटवर्क के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि डीएसएल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कनेक्शन। डीएसएल किस कनेक्शन से संबंध उदाहरण है, एक नेटवर्क होता है, वायरलेस होता है, नहीं स्लो होता है, बिल्कुल नहीं, एक ब्रॉडबैंड होता है डीएसएल। अब आप लोग डीएसएल के बारे में कब जानते होंगे, पहले बीएसएल का जब ब्रॉडबैंड आता था ना, मोबाइल के कनेक्शन, मोबाइल और वो घर में लैंडलाइन लगे होते थे या ऑफिस में, तो उस लैंडलाइन के थ्रू एक मॉडम लगता था, और उस मॉडम एक तार आके आपके सिस्टम में लगता था, आप ब्रॉडबैंड यूज करते थे, उस समय का उसे कहते थे डीएसएल। तो डीएसएल का मतलब होता था डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इज अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। ये बीएसएनएल के दौर की बात है, बहुत पहले की, ये 2005-6 में ये यूज होता था। अब तो ये भी ऑब्सोलीट खत्म हो गया है एक तरीके से। डीएसएल यूजेस एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस टू ट्रांसमिट डाटा ओवर इंटरनेट, इट्स अ वायर्ड कनेक्शन अनलाइक वाईफाई विच इज वायरलेस। वाईफाई एक वायरलेस कनेक्शन होता है, बट ये क्या होता है, वायर वाला होता है, इसमें तार का इस्तेमाल होता है, ठीक। और ये टेलीफोन लाइन से कनेक्शन पहुंचाता है। जैसे देखिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ डीएसएल का, ये कैसे हो नेटवर्क, जैसे ये मेन लाइन आ रही है, ठीक है, इसी से पहले फैक्स कनेक्ट हो जाते थे, टेलीफोन लाइन है ये, इसी से टेलीफोन भी यूज हो रहा है, ठीक है। और फिर यहीं से लगा देते थे मॉडम, इसे डीएसएल मॉडम कहते थे, और मॉडम से कनेक्ट हो जाता था पीसी, ठीक। तो ये एक ब्रॉडबैंड का काम करता था, डीएसएल से यूज होता था ब्रॉडबैंड चलाने के लिए यूज होता था, ठीक, ब्रॉडबैंड। तो नहीं, इसका है दौर अब खत्म हो गया, दुनिया बहुत आगे जा रही है, ठीक है। और जो मॉडम होता है उसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक। ये एनालॉग सिग्नल को, जो एनालॉग सिग्नल यहाँ से आते हैं, उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है, और जो पीसी डिजिटल सिग्नल देती है उसे एनालॉग फॉर्म में बदलता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा बता दिया, ये पेपर थोड़ा अच्छा है ना। क्रैक सॉफ्टवेयर आर अनदर सोर्स ऑफ, क्रैक सॉफ्टवेयर किसके अन्य स्रोत हैं, ईमेल अटैक, वायरस अटैक, ट्रोजन हॉर्स या स्पैम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत बढ़िया, ये ट्रोजन हॉर्स का एग्जाम्पल। आप कहेंगे सर ये क्या मतलब, देखिए मैंने पहले बताया था वायरसेस के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। वायरस इसका फुल फॉर्म आपसे लास्ट क्लास से पूछा था, कुछ लोगों ने एग्जाम बताया भी था, बहुत ही थम्स अप उन्हें जिन लोगों ने इसका बताया था फुल फॉर्म वायरस का, ठीक है। तो वायरस में एक आता है वॉर्म, ठीक, एक आता है आपका
हॉर्स एक, ट्रोजन हॉर्स एक आता है, स्पाई वेयर, फिर आता है की लॉगर, इसी तरह एंड सो ऑन बहुत सारे आते हैं। जो ट्रोजन हॉर्स है इसको क्या कहा, ये छुप के आपके सिस्टम में, आपको पता नहीं चलता, ये आपके सिस्टम में धोखे से घुसता है। आपको लगता है कि ये कोई काम का सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, और पता चलता है कि ये क्या हुआ, एक वायरस निकल गया। देखिए मान लीजिए कोई एक ऐप है जो आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ली, आपके मोबाइल है, आपने डाउनलोड की कहाँ से, प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर पे गए, आपको एक ऐप मिली, आपने डाउनलोड की, आप बिल्कुल सही काम कर रहे थे ये। लेकिन कभी कभी कोई कह देगा, अरे यार ये सॉफ्टवेयर यही नहीं, प्ले स्टोर से ना लो, ये दूसरे जगह से ले ले लो, वहां से सही रहेगा, नेट पे आप जाओगे डाउनलोड करोगे, जब डाउनलोड करोगे तो आपकी मोबाइल कहेगी देखिए सिक्योर सॉफ्टवेयर नहीं है, मत कीजिए। लेकिन आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे, यस कर दो बिल्कुल, हम डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इस तरह के सॉफ्टवेयर को कहते हैं क्रैक्ड, क्रैक्ड मतलब टूटा होता है ना, क्रैक, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। आप इंस्टॉल कर लेते हैं और ये निकल जाता है वायरस, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, जो छुपा हुआ होता है वायरस उसे कहते हैं। तो जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो ट्रोजन हॉर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ले आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से आज हमने 24 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए हैं। थोड़ा तो सा सेशन अच्छा था, काफी इसमें डीप क्वेश्चन थे, ठीक है। इनसे डरिएगा मत, अभी आपको धीरे धीरे करके और भी क्वेश्चंस कराएंगे, तो धीरे धीरे आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये चीजें भी आसान लगने लगेंगी। कभी कभी कुछ चीजें आउट ऑफ द लीग आ जाती हैं, ठीक। तो चलिए अब मैं आशुतोष सिंह साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।